तो गाइस यहाँ पे सीन ऐसा हो गया, वो स्नो चेन की भाई एक बीच वाली जो होती है ना चेन, वो खुल गई थी, तो भाई उसकी वजह से फट गई है पाइप भी, है ना। तो भाई जो सीन है ना भाई, बड़ा खतरनाक हो गया, ब्रेक टोटली फेल है भाई, गियर पे कंट्रोल हो रही है, इनकी वजह से हुई हमारी गाड़ी खराब, इनकी वजह से हुई। तो गाइस ये ट्रैक है वो, यहाँ से 1.5 किलोमीटर होगा, नैरो है रोड, ठीक है। नहीं नहीं भाई, जो इस बंदे के साथ आएगा ना वो रोता रोता वापिस जाएगा। सो भाई फाइनली अभी चेक करो, प्रॉमिस लाइक भाई ब्लैक बुल दुर्गा टे गाट रही है बर्फ में यार। भाई नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस यार, ब्लैक बुल नेक्स्ट लेवल भाई। भाई आगे बर्फ का पत्थर आ गया है, भाई पत्थर चेक कर रहे हो कहां कहां से निकल गए भाई, कहां पहुंच गए। भाई एक चीज चेक करो यार, एक्चुअली सीन पता क्या ना, वो बर्फ है ना वो सामने पड़ी है जो वो पत्थर बन चुकी है, तो उसकी वजह से अगले बम्पर में टच हुई, तो उसकी वजह से आगे नहीं चढ़ रही है। बाकी ये चेक करो आप, ओ भाई पूरे रोड पूरे रोड में भाई इधर से कहां पहुंच गई भाई। इसको कहते हैं नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल भाई। इस समय 4x2 गाड़ी मान रहे हो भाई, दम चाहिए बंदे में यहाँ पे भी घुसाने के लिए 4x2 को। लेकिन ये चेक करो सो भाई, अभी फाइनली चेक करना, अब ब्लैक बुल अपनी चढ़ेगी भाई। एक्चुअली यार बहुत बड़ी वो बन चुकी है यहाँ पे, देखो चेक करो डिवर्शन ऐसी बहुत जगह बन चुकी है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है ऊपर चढ़ने में। भाई इस साइड से बर्फ सारी ऊपर आ गई है ना, तो मिट्टी मिट्टी है यार, उसकी वजह से गाड़ी हो रही है। हाँ वही सीन, ये सेट। तो भाई अब फाइनली भैया यहाँ से ट्राई करेंगे ऊपर चलाने के लिए, बर्फ तो है वहां पे, रह गई है मिट्टी, बर्फ उड़ गई। तो भाई फाइनली अब चेक करना ब्लैक बुल भाई, पत्थर बर्फ जो पत्थर बनी हो वो भी साफ होगी। भाई रस्सियां बहुत मजबूत है यार, ओ लोग कर क्या रहा है भाई, पत्थर उधर लगा रहे पीछे देखो भाई, इधर देखो पीछे दे दिखा, इधर क्या हुआ, खुल गई है, उसकी वजह से ऊपर नहीं आ रही, तो वहां से एक ऊपर जाता हूं मैं, भैया करेंगे यहाँ से ऊपर, साइड हो जाना भाई, रस्सी टूट गई है भाई, रस्सी टूट गई, आंडो आंडो क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं भाई, बंदे नेक्स्ट लेवल रिएक्शन है यार।
भाई जान भी बचानी है अपनी ब्रावा, जान है तो जहान है, ठीक है। ओ भाई भाई धुआं चेक कर रहे हो, वो ये चेक कर रहे हो खतरनाक यार। सो भाई एक बार फाइनली चेक करो, अब जब फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाई थी तो क्या कंडीशन थी, तो अभी चेक करो भाई क्या कंडीशन हो चुकी है यहाँ पे। भाई रोड की शक्ल देखो, क्या रोड बन चुका है यहाँ का। तो एक्चुअली यार एक एक साइड की चेन खुल गई है यहाँ पे, तो अब देखते हैं नेक्स्ट एक बार गाड़ी निकालते हैं यहाँ से, फिर से टाइट करते हैं। सो अपनी गाड़ी फाइनली निकल चुकी है, तो भाई अपनी ब्लैक वुल्फ फाइनली बाहर आ चुकी है, चेक करो। सो भाई बंदों का रिएक्शन देखना आप, ओ भाई खतरनाक नेक्स्ट लेवल यार। तो अभी देखते हैं भाई, चेन खुल चुकी है यार। सो भाई फाइनली चेक करो यार, एक वीडियो बनाने के लिए ना क्या क्या करना पड़ता है भाई, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो अब फाइनली यार वो जो चेन थी ना यार, वो फंस गई है ब्रेक वाली पाइप को, तो अब गलत सीन हो चुका है। सो अभी निकालते हैं और दिखाते हैं आपको नेक्स्ट सीन। तो गाइस यहाँ पे सीन ऐसा हो गया, वो स्नो चेन की भाई एक बीच वाली जो होती है ना चेन, वो खुल गई थी, तो भाई उसकी वजह से फट गई है पाइप, ये है ना जो ये ब्रेकिंग वाली होती है, तो इसकी ब्रेक थोड़ी सी फेल हो गई है। तो इसको लगाई हमने एम सील, और भाई इसको एम सील लगा के ना इसको बैंड कर देते हैं, क्या पता अब लीक ना हो, तो 10-15 मिनट रखेंगे ऐसे ही, क्या पता सूख जाए, ठीक है ना। तो करते हैं कुछ ना कुछ, अब देखते हैं। तो गाइस हमने गाड़ी को लगा दी एम सील, तो यहाँ पे आए हैं चाय पीने भाई के पास। तो भाई अभी मैंने और भी प्लान था मेरा भाई, एक मैं आपको तुम्हें वो दिखाता हूँ ट्रैक, मेरा वहाँ का प्लान था। तो भाई पैदल आ रहे हैं, मैं भाई लेके आ गया हूँ, मैं आपको ट्रैक दिखाता हूँ जो मैंने अभी करना था भाई। यार हर मतलब यार स्नो चेन ना ढीली थी ना, उसकी वजह से यार सीन हो गया, बाकी कोई सीन नहीं था यार। तो दिखाता हूँ मैं आगे जाके कौन सा ट्रैक था भाई। तो गाइस ये ट्रैक है, वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर होगा, नैरो है रोड, ठीक है। और भाई ये बिना स्नो चेन 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 के नहीं होना था भाई, मैंने उसके बाद यही वाला मारना था, तो मैंने सोचा वहाँ थोड़ा फन मारते हैं, उसके बाद आते हैं यहाँ पे। इतनी देर भाई ये सीन हो गया, मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। तो चलो चलते हैं, चाय पीते हैं, फिर उसका बताते हैं आपको आगे क्या सीन है। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताना भूल ही गया, कभी पत्नीटॉप आओ ना, तो भाई ये ढाबा है यहाँ पे चाय वाला, ठीक है, पत्नीटॉप से बटोत वाली साइड आते थे, और भाई यहाँ चाय मिलती है मलाई मार के, और ये हमारे भाई हैं जो चाय बनाते हैं, ठीक है। हाय हाय बोल दो, हाय बोल दो, चाय के साथ प्यार भी देते हैं फुल, चाय के साथ फुल प्यार। और भाई एक नंबर चाय मिलती है मलाई मार के, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार चाय पियोगे ना पत्नीटॉप तो भूल ही जाओगे, इधर ही आओगे। तो ये भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं हमारे, इनकी वजह से हुई हमारी गाड़ी खराब, इनकी वजह से हुई, इन्होंने मेरे को बताया नहीं कि चेन खुल गई है, भैया बस कर दो रोक दो। मेरी बात सुनो, मेरे को अपनी जान बचानी थी, इतने इतने भाई भाई ये चेक करो, एक मिनट रुकना भाई, ये भाई बोलो ये चेक करो। तो गाइस ये चेक करना, ये देखो पैंट, देखो ये देखो भर गई है, ये देखो ठीक है, ये हुड देखो भाई, टायर के नीचे से ना इतने बड़े बड़े पत्थर निकल रहे थे, मैं पत्थर निकल रहे थे अभी शुगर का, अभी ये वाला ट्रैक मारने जा रहे थे। नहीं 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 भाई, जो इस बंदे के साथ आएगा ना वो रोता रोता वापिस जाएगा, वो भाई मैं ही बंदा हूँ जिसने अभी तक दम रखा है। भाई रात को सनासर पहुंचे हुए 3 बजे, ठीक है भाई, बोल रहे हैं घर चलो, मैं नहीं जाना ही आ गया, 3 बजे यार, अगर हमारी नहीं अकेले सनासर में घूम रहे हैं। तो गाइस अगर हमारी स्नो चेन नहीं खुली होती ना, तो भाई मैं तुम्हें बताता क्या बोल दू, हम आपको बताते हम आपको बताते कि सही स्नो ड्राइव कैसे होती है। वो थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आ रही है, उसकी वजह से थोड़ी कैंसिल हो गई, चलो जल्दी आएंगे। ट्रैक हमारे पास यहाँ पे ऐसे ऐसे हैं जो किसी को पता ही नहीं होंगे, तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना वो भी ट्रैक ऐसे ही है, सिंगल है रोड, नैरो है, गाड़ी जाएगी ना तो मोड़ना इतनी आसान नहीं है वहाँ से। तो गाइस ब्रेक नहीं ठीक हुई यार, वो एक पैडल मारा हुआ है, एमसीली बाहर आ गई पूरी। तो भाई अब ये देखो ब्रेक भी नहीं है, और ब्रेक आइल डालते जाना पड़ेगा, और क्या करना यार, पूरा मूड स्पॉइल हो गया भाई, वो यार चेन खुल गई ना उसकी वजह से, क्या बताऊँ अब मैं तुम्हें। चलो कोई सीन नहीं है, कल परसों फिर से आना, जब स्नोफॉल होगी फिर दिखाएंगे आपको आगे का सीन, क्या सीन है क्या नहीं। तो भाई जो सीन है ना भाई, बड़ा खतरनाक हो गया, ब्रेक टोटली फेल है भाई, गियर पे कंट्रोल हो रही है, 2 नंबर डाला गियर, गियर पे कंट्रोल हो रही है,
और भाई ब्रेक तो मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी भी नहीं है भाई, पूरा पैडल दबा के वो हल्की 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 बज रही है, क्योंकि अगर ब्रेक जो वो होती है ना पाइप ब्रेक वाली, जब वही फट जाएगी तो ब्रेक कहाँ से बजेगी, उसमें प्रेशर ही नहीं बनेगा तो ब्रेक कहाँ से बजेगा। मैं आराम आराम से इधर पहुँचाते हैं और हमको वेल्डिंग करानी पड़ेगी उसको, अगर मिल गई तो डाल देंगे, नहीं मिली तो भाई वेल्डिंग करा के ही जाना पड़ेगा, नहीं तो भाई ऐसे। तो गाइस यहाँ पे मिली है हमको दुकान और यहाँ पे कराते हैं वेल्डिंग, उसके बाद चलते हैं। वो देखो यार ऑयल हो रहा है लीक, देखो वो देखो उसमें से लीक हो रहा है, कहाँ से बजेगी ब्रेक भाई। तो गाइस फाइनली हो गई है ब्रेक ठीक। क्या हमने किया क्या भाई, वो जो पाइप होती है ना पीछे वाली, उसको निकाल के उसके वोल्ट को वेल्डिंग करा के तो दोनों साइड लगा दिए, और पाइप जो थी वो हमने निकाल दी। अभी हमारे सिर्फ 3 टायरों में ब्रेक है और 1 टायर फ्री है, तो बस ब्रेक ओके हो गई। अब ये देखो ओ भाई, तो बस हमको ब्रेक चाहिए, तो बाकी हम करा देंगे उधमपुर जाके। वैसे घर जाने का प्लान था तो कैंसिल हो गया, तो दिखाते हैं आपको आगे का सीन, बने रहे ठीक है चैनल पे। तो गाइस काफ़ी अंधेरा हो गया देख लो, तो हम यहाँ आग बैठे हैं भाई, इतनी ठंड है यार। हमने जाना था वैसे ऊपर, बट ऊपर बोल रहे हैं ट्रैफिक ही बड़ा ज़्यादा है, तो कल अब देखते हैं कल का क्या बनता है प्लान और क्या नहीं। तो बाकी गाड़ी वो खड़ी हुई है अंधेरे में, आपको दिखाई भी नहीं देगा, देखते हैं फिर क्या बनता है भाई। तो गाइस फाइनली पहुँच गए हैं घर पर, और भाई यार आज का डैमेज हुआ ना, ये तो बर्फ़ के हिसाब से जा भाई, ये उसकी वजह से डैमेज हो गया यार, बम्पर बढ़ जाएगा ना इसको जब, तो भाई कोई सीन ही नहीं होगा। तो चलो अब टायर भी डलाने हैं, तो बाकी कोई सीन ही नहीं है, देखते हैं फिर घर पे पहुंच के अब कल का बताते हैं आपको कल का क्या सीन है। ब्लॉग पर बने रहें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, जिससे भाई मैंने तुम्हें बता रहा हूँ इस हिसाब से तबाही होनी थी ना, क्या भाई इस हिसाब से तबाही होनी थी कि मतलब पूछो ही मत यार। वो स्नो चेन है ना जो यार, वो अच्छे से टाइट नहीं हुई यार, या हमें बांधना नहीं आई, फर्स्ट टाइम तो मैंने की यूज़ ठीक है, बाकी कोई सीन नहीं है। बाकी भाई अभी नेक्स्ट टाइम पड़ने वाली है स्नोफॉल, तो उस पे आएंगे फिर उस पे दिखाएंगे तुम्हें तबाही, तो पहले कल का सीन चेक करते हैं क्या कल भी तबाही हो जाए। तो चलते हैं आप घर ठीक है, मिलते हैं फिर आपको कल। यहाँ पे स्नो चेन खुद ही हो रही है रिपेयर, तो भाई हमारे पास ओ भाई हो गया, तो भाई हाल चेक कर लो, पूरे कपड़े देखो सुबह ये चेक करो भाई लोगों के दोस्त वगैरह फैन वगैरह नहीं बताता को लग रही है चेन अभी, तो भाई देखो भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं यार कैसे। तो भाई अभी इसको जक लगा के अच्छे से ना टाइट हो जाएगी,